हेलो एवरीवन, आई रितिका शर्मा, टीचर ऑफ अम्बे इंटरनेशनल स्कूल, नया गांव, कोटा. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच नेम इज़ द वेदर. इट्स योर चैप्टर 5 इन इंग्लिश टेक्स्ट बुक. सो किड्स, इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट दैट वॉट इज़ वेदर. सो लेट्स स्टार्ट. व्हेन पीपल से इट इज़ हॉट, कोल्ड, विंडी और सनी, दे आर टॉकिंग अबाउट द वेदर. जब हम बात करते हैं कोल्ड के बारे में, हॉट के बारे में, लाइक वेन वी आर टॉकिंग अबाउट सनी, दैट आज कितना सनी डे है, कितनी तेज़ धूप निकल रही है, सो इट इज़ वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट वेदर. हम वेदर के बारे में बात करते हैं. वेन द सन शाइन्स ब्राइटली, तब जब सन बहुत तेज चमकता है, बहुत तेज ब्राइट होता है, इट इज़ हॉट, तब क्या होता है, दैट इज़ हॉट, तब बहुत गर्मी होती है. वी वेयर लाइट क्लोथ्स टू कीप आवरसेल्फ कूल. हम क्या करते हैं, वी वेयर लाइट क्लोथ्स. हम किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जब बहुत ज़्यादा धूप होती है, गर्मी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा लाइट क्लोथ्स वेयर करते हैं, सो दैट वी कैन फील कूल, वी कैन बी कम्फर्टेबल. समटाइम्स देयर इज़ अ चिली विंड दैट मेक्स अस शिवर. एंड जब गर्मी ख़त्म होती है, अभी जो सीज़न आने वाला है, लाइक दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तब क्या होता है, तब हमको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, हम शिवर करते हैं. शिवर मीन्स हम कांपते हैं. सो वॉट इज़ दैट, देयर इज़ अ चिली, वहाँ पे बहुत तेज़ तेज़ हवा चलती, बहुत ठंडा मौसम हो जाता है. व्हेन वी हैव टू वेयर वार्म क्लोथ्स सो दैट वी डोंट फील कोल्ड. सो हमको क्या करना पड़ता है, हमको वार्म क्लोथ्स पहनने पड़ते हैं, हमको वूल के क्लोथ्स पहनने पड़ते हैं, ताकि हमको वार्म फील हो, गर्म सा फील हो, ठीक है. Then there are times when dark clouds gather in the sky. अभी जो सीज़न गया, कौन सा टाइम होता है, there are times when dark clouds gather in the sky. जब डार्क क्लाउड्स sky पर आ जाते हैं, तब कौन सा टाइम होता है, rain pours down and तब क्या होता है, rain, बारिश होती है. जब डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं तो बारिश होती है. एंड विंड ब्लोज हार्ड, और बहुत जब बारिश होती है, बहुत तेज तेज हवा चलती है, वॉट वी विल हैव टू डू, वी हैव टू वेयर रेन कोट्स और कैरी अम्ब्रेलाज व्हेन वी गो आउटसाइड. एंड व्हेन वी गो आउटसाइड वी हैव टू कैरी अम्ब्रेलाज एंड वेयर रेन कोट्स व्हेन इट्स रेन एंड बहुत तेज जब हवा चलती है तब. Animals, birds and insects also behave differently according to the weather. See, हम human तो different behave करते ही हैं. जब हमको गर्मी लगती है, जब it's like sunny, when we wear soft clothes, हम बहुत ही soft clothes पहनते हैं, ठीक है. जब बहुत तेज बारिश होती है, when we wear rain coats, okay, we will have to carry umbrella so that we can protect ourselves from rain, okay. So similarly, animals, birds, insects भी different behave करते हैं weathers में. Small insects such as butterflies and dragonflies take shelter under leaves when it rains. तो जब बारिश होती है तो जो butterflies होती है, dragonflies होती हैं, बहुत सारे जो छोटे छोटे insects होते हैं, वो क्या करते हैं, वो leaves के अंदर अपना shelter ले लेते हैं, ठीक है. Frogs, earthworms, rhinos and elephants love the rain. जो frogs होते हैं, earthworms होते हैं, rhinos होते हैं, elephants होते हैं, उनको बारिश बहुत पसंद होती है. They like rain very much. Giraffes and camels like sunny weather. Giraffe और camel को sunny weather बहुत बहुत पसंद होता है. Polar bears and seals are happiest in the snowy weather. तो polar bears कौन से होते हैं, जो white वाले जो bears होते हैं, that is called polar bears. Polar bears and seals are the happiest. उनको बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत खुश होते हैं किसमें, स्नोई वेदर में, व्हेन इट इज कोल्ड, जब स्नो आती रहती है, स्नो गिरती रहती है. द वेदर इज नॉट द सेम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. सी, हमेशा वेदर सेम नहीं रहता है पूरे वर्ल्ड में. इफ़ यहाँ पे अगर गर्मी है तो कहीं और सर्दी होगी. फॉर एग्जांपल, ऑन द सेम डे इट मे बी सनी, हो सकता है आज का दिन जो है वो यहाँ पे सनी हो, गर्मी हो, एंड ब्राइट इन मुंबई, और मुंबई में बहुत ज़्यादा ब्राइट हो, ठीक है. क्लाउडी इन पेरिस एंड स्नो इन न्यूयॉर्क. और पेरिस में क्या हो रखा हो, पेरिस में क्लाउडी हो रखा हो, मतलब कि रेन होने वाली हो. एंड न्यूयॉर्क में क्या हो रखा हो, न्यूयॉर्क में स्नोई वेदर हो रखा हो. The weatherman is a person who tells us on radio or television what the weather will be like in the next few days. और weatherman कौन होता है, जो कि हमको बताते हैं कि next few days में, मतलब कि आने वाले जो days होंगे, उनमें weather कैसा होगा. So here's the end of chapter. Thank you.